ओके बेटा, लोसाई के लास्ट हमने 6 क्वेश्चन तक किया था, 7 और 8 मैंने होमवर्क आप लोगों को दिए थे, आप लोगों ने अगर किए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कह रहे हैं लोसाई के अंदर, ओ लेवल मैथमेटिक्स के कोर्स है ये। अ प्ले ग्राउंड इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी फोर साइडेड शेप में बना हुआ है। अब क्वाड्रिलेटर क्या है, ए बी की लेंथ कितनी है 90 मीटर है और ए डी की लेंथ कितनी है 70 मीटर है और बी ए डी आपका 115 है और ए बी सी 100 है और ए डी सी 85 है। अब आपका स्केलिंग भी वो कह रहा है, स्केलिंग यानी कि 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर आपने लेना है और मेक एक्यूरेट स्केलिंग करके प्ले ग्राउंड बनाना है, आपने ड्रॉइंग करनी प्ले ग्राउंड की। तो सबसे पहले आपने स्केल लिया, स्केल लेके आपने 9 सेंटीमीटर का, यानी कि 90 मीटर तो पेपर पे नहीं बना सकते क्योंकि स्केलिंग कह रहा है 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 90 मीटर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो आपने 9 सेंटीमीटर की एक लाइन बना देनी है। ये पॉइंट ए ले लेना है, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और 9 सेंटीमीटर की एक लाइन बना देनी, बना दिया आपने लाइन। फिर उसके बाद आपको क्या कह रहे हैं, एडी 7 सेंटीमीटर। अब कंपास आपने खोलना है, जो नीडल वाली साइड है उस पॉइंट को ए पे रखना है और उस पॉइंट को ए पे रख के और उसको 7 सेंटीमीटर ओपन करना है। कितना ओपन करना है, 7 सेंटीमीटर ओपन करके एक आर्क बना दीजिए, ये आपने एक आर्क बना दी, सही है। इस पे नीडल रखनी है, ए पॉइंट पे नीडल रख के एक आर्क बना देनी, इस तरह से एक आर्क बना दीजिए। जबकि आर्क बन जाए तो अब आपके एंगल बी ए डी, यानी कि बी ए डी यानी कितना है 115। अब आपने 115 यानी आर्क को इस तरह से ऐसा बनाए कि आपकी ऐसे एक आर्क बन जाए, सही। ये जरा थोड़ी सी अच्छी नहीं बनेगी, और अच्छी मैं कर देता हूं, यानी इस 7 सेंटीमीटर ऐसे आर्क बना दीजिए। अब ये आर्क है, क्योंकि अब बी ए डी अगर आप डी पे रख के 115 यहां पे रखेंगे, आप डी यहां पे रखे 115 अप्रोक्सीमेटली यहां पे बनेगा, तो हम इतना बनेगा, डी पे रखेंगे ये 115 बन जाएगा। तो 115 की मैं बना देता हूँ लाइन विद द हेल्प ऑफ डी एंगल बना देता हूँ, तो ये 150 अप्रोक्सीमेटली ये लग रहा है मुझे 150, तो ये एंगल कितना बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ डी 115, सही है, बना दिया। और ये आर्क, आर्क और ये लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट, आर्क और लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका डी पॉइंट होगा, वो आपके पास कौन सा पॉइंट होगा, डी पॉइंट। और ये कितनी होगी, ये 7 सेंटीमीटर होगी। इधर तक तो हमने क्वेश्चन कर लिया, हमारे पास यानी ए बी बना दी, ए डी बना दी और एंगल भी बना दिया। फिर उसके बाद कह रहे ए बी सी, ए बी सी 100 है। अब ए बी सी, अब बी को आपने यहां पे रखना है और 100 करेंगे तो 100 अप्रोक्सीमेटली यहां पे ऐसे आएगी, तो 100 सेंटीमीटर बी से रख के 100 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन बना दूंगा, 100 डिग्री की एक लाइन बना दूंगा, जो कि मेजरमेंट उसकी मुझे नहीं पता, मैं एक बड़ी सी लाइन ऐसे बना दूंगा बी पे रख के, डी से पहले एंगल मेजर कर लूंगा, डी से एंगल मेजर कर लूंगा और उधर से फिर मैं एक लाइन बी पॉइंट पर रख के एक लाइन ऐसे बना दूंगा, सही है। और ये मैं लाइन बनाऊंगा, ये सॉरी ओके, इसको मिला दू, ये सही है। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 100 होगा विद द हेल्प ऑफ डी कर दूंगा। अब मुझे नहीं पता क्योंकि आपके पास को क्या कह रहे हैं, ए बी सी 100 है, यानी सी पॉइंट इस लाइन पे कहां पे आपको नहीं पता, मगर आपको एक चीज पता है, ए डी सी यानी ए डी सी एंगल कितना है 85, तो डी को आपने यहां पे रखना है और यहां से एंगल मेजर करना शुरू करना है 85, फॉर एग्जांपल यहां पे इधर किधर आएगा, तो 85 की ये 85 आपने बना दे, 85 की आपने लाइन बना दी, ये 85 डिग्री एंगल बना दी, और ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ये आपका सी पॉइंट आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, सी पॉइंट आ जाएगा। ये आपकी क्वाड्रिलेटर आपकी डेवलप हो गई, ये फोर साइडेड क्वाड्रिलेटर आपने डेवलप कर दिया आपने, बहुत सिंपल सी थी। ए बी बनाई, ए बी के बाद आपने क्या एंगल बनाया, आपने आर्क बनाई, आर्क ऑफ ए पॉइंट पर रख के एक आर्क बना देंगे आप, डी पर रख के एक आर्क बना देंगे, जब वो आपके पास आर्क बन जाएगी तो फिर आपने ए डी की मेजरमेंट आपको पता है 7 सेंटीमीटर है, वो आपने सारी बात आप मेजर भी करके देख लीजिएगा, 7 सेंटीमीटर के आर्क के साथ डी पॉइंट आ जाएगा, फिर इसी तरह 100 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे, एक लाइन बना देंगे, फिर उसी तरह से ए डी एंगल आपको सी डी विद द हेल्प ऑफ डी 85 डिग्री एंगल बना देंगे, लाइन बना, दोनों लाइनें जिस पॉइंट में से वो सी पॉइंट आ जाएगा और ये फोर साइडेड हमारा प्ले ग्राउंड बन जाएगा, सही है। ये पहला पार्ट हमारा हो गया, फोर साइडेड प्ले ग्राउंड एक्यूरेटली हमने स्केच कर लिया। अब देखिए ऑन योर डायग्राम, इसी डायग्राम में ड्रॉ द लोकस,
विद द रिप्रेजेंट पॉइंट बी, पॉइंट बी से 80, पॉइंट बी से कितना 80 मीटर, 80 मीटर मतलब 8 सेंटीमीटर, तो पॉइंट बी पे रख के 8 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से इक्विडिस्टेंस कह रहे हैं, तो आपने सेंट बी पे रखना है और 8 सेंटीमीटर का सर्कल बना देना है, सही है, 8 सेंटीमीटर का आपने एक सर्कल बना, तो 8 सेंटीमीटर लगे भी आपको, ये 9 है तो 8 इधर तक आएगा, ये थोड़ा सा ऐसे, ये सेंटर, सही है बेटा, ये आपने बी पॉइंट पर रख के आपका सेंटर कौन होगा, बी होगा, सही है, बी पर रख के कंपास खोल लें, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की ये आपने रेडियस किया, ये भी 8 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक ये भी 8 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया आपने, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास बी का पहला पार्ट होगा। बी का सेकेंड पार्ट के अंदर आपको क्या कह रहे हैं, इन पार्ट सेकेंड बी के अंदर लोकस बनाना है, रिप्रेजेंट द टू पॉइंट सी और डी, सी और डी से इक्विडिस्टेंस हो, तो आप क्या सॉरी लोकस विच रिप्रेजेंट द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सी, दो पॉइंट से जब इक्विडिस्टेंस होगा तो आपका क्या बनेगा, एंगल बायसेक्टर, परपेंडिकुलर बायसेक्टर लाइन बनेगी, क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बायसेक्टर बनेगा। और फिर कह रहे हैं लेबल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लोसाई, यानी बी पार्ट है पहले और दूसरे के जहां पर इंटरसेक्ट है वो आप, अब आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, कंपास को ओपन करना है, अब आप थोड़ा सा ऊपर जगह नहीं है तो कंपास इधर सी पे रखेंगे, एक आर्क इधर ऊपर बना देंगे, एक आर्क इधर नीचे बना देंगे, फिर डी पे रखेंगे, एक आर्क इधर ऐसे बना देंगे, एक आर्क इधर ऐसे बना देंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स को आप कंबाइन कर लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, आपके पास क्या होगा, कंबाइन करेंगे तो ये आपकी परपेंडिकुलर बायसेक्टर लाइन बन जाएगी, क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बायसेक्टर। तो प्लेग्राउंड के अंदर, प्लेग्राउंड के अंदर ये आपने बना दी ये लाइन, प्लेग्राउंड के यानी कि इट इज फ्रॉम बी से 8 सेंटीमीटर हो और इक्विडिस्टेंस हो, तो उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा आ जाएगा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो एम पॉइंट होगा वो ये पॉइंट होगा, ये जो इन दोनों का पॉइंट, ये एम पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा एम हो जाएगा, ये बी पार्ट हो गया। हमने सी डी दो पॉइंट है उनका परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर बायसेक्टर कंपास से मैंने आपको बताया हुआ है, सी पे रखे एक आर्क बना देनी है, पर डी पे रखे एक आर्क ऊपर नीचे बना देंगे, दोनों आर्क जिन पॉइंट पर काटेंगे उन पॉइंट्स को कंबाइन दोनों आर्क को कर देंगे, तो आपके इसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और जब आपके इस परपेंडिकुलर बायसेक्टर लाइन ड्रॉ हो जाएगी, वो परपेंडिकुलर बायसेक्टर और प्रीवियस, क्योंकि पार्ट सेकंड पार्ट में आपने परपेंडिकुलर बायसेक्टर, फर्स्ट पार्ट में आपने सर्कल बनाने, सर्कल और परपेंडिकुलर बायसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका लेबल पॉइंट होगा, क्योंकि आपको कह रहे हैं लेबल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लोसाई, यानी इन दोनों बी के ए पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट के दोनों लोसाई जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका एंड पॉइंट होगा, ये बी पार्ट हो गया, ए और बी पार्ट हमने कर लिया। अब आते हैं सी पार्ट पे, देखिए ये पूरा क्वेश्चन पास्ट पेपर 1985 का क्वेश्चन है बेटा। ओके, अ पॉइंट एन, एक एन पॉइंट है ऑन द आपके इसका प्ले ग्राउंड, ऑन द प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी सी और सी डी, बी सी और सी डी के इक्विडिस्टेंस है, तो दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर है, तो इक्विडिस्टेंस का मतलब यह है कि ये एंगल बायसेक्टर बनेगा, तो आपने कंपास को यहां पर रखेंगे एक आर्क सी पॉइंट, क्योंकि दोनों का कॉमन सी है, सी पे रखे कंपास एक आर्क यहां लगा देंगे, एक आर्क यहां, फिर कंपास को आपने इस पॉइंट पर रखेंगे एक आर्क यहां लगा दे, फिर कंपास को इधर निडल इधर रख के एक आर्क यहां पे, और इसको और सी को मिला देंगे, ये एंगल बायसेक्टर लाइन आपकी बन जाएगी, इसको थोड़ा आगे तक आप लाइन को सीधा कर लीजिए, आगे तक ले आएंगे, तो ये आपने एंगल बायसेक्टर बना दिया, सही है, ये आपके पास कौन सी होगी, एंगल बायसेक्टर जो आपका बी सी और सी डी का एंगल बायसेक्टर लाइन है, ये आपने बना दी। फिर आगे कह रहे हैं एंड इज सच दैट ए एंड बी, ए ए एन एन बी, अब बी कहां पे, बी ये रहा, बी ये रहा, सही है, और इसको अगर आप ये भी कहें कि आपके पास क्या है, और रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंट दिस एंड पॉइंट ऑन योर डायग्राम ऑन आपके इसके अगेंस्ट आपके इसके इंटरसेक्शन ऑफ दीज लोसाई, इन लोसाई का, अब एन ए से लेके ए एन बी, यानी कि आपके पास ए से एन का आपके इसके बी, तो B क्या है बेसिकली आपका डायमीटर, आप जरा गौर से इस बात को समझिएगा कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कह रहे हैं कि आपने ए बी इज अ डायमीटर, एक किस्म का डायमीटर, एक किस्म का क्या है डायमीटर, आपने एन राइट एंगल बनाना है, अब राइट एंगल आप कैसे बना पाएंगे, क्योंकि यहां पर तो एंगल बायसेक्टर आपने बनाया, अब ये एन पॉइंट असल टारगेट क्या है, ए एन बी आपने ड्रॉ करना है, अब ए एन बी एंगल आप
एंड की पोजिशनिंग, तो आपको ये नहीं पता द एंड पॉइंट पहले इक्विडिस्टेंस है, तो इसका मतलब इस लाइन पर है। अब इस लाइन पे है तो आपके पास किसका मतलब ये है कि इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट होगा, इस लाइन पे ये जो लाइन है थोड़ी स्टेडीज बनी, इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट होगा उसको और इसको और बी को मैं मिलाऊंगा तो ये एंगल कितना बनेगा 90 बनेगा, ये एंगल क्या बनेगा 90 बनेगा। अब बात ये है कि ये मैं बनाऊंगा कैसे, अब ये टारगेट ये बनाना कैसे, अब बनाना बेटा आपने ऐसे इस तरह से पॉइंट पर बी पॉइंट से फ्रॉम बी, बी से आप बी से इस लाइन पर पॉइंट को बाइसेक्टर बनाएंगे, क्या बनाएंगे पॉइंट को बाइसेक्टर लाइन बनाएंगे। अब बी आपने रखना है यहां पे, डी रखेंगे यहां, डी रखेंगे, डी का जो बी का वाला पोर्शन ये से मैच कर रहा है ना उस वो लाइन बना देंगे, वो लाइन बनाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एंड पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा एंड पॉइंट, इस एंड पॉइंट को ए से मिला देंगे, ये आपका 90 डिग्री एंगल बन गया, ये आपका डी आपने इधर ऐसे रखनी है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ये आपके पास भी होगी आपके ए पॉइंट से पास होगी, ये फिगर आप जैसे बनाएंगे उस एक्यूरेटली बनेगी, ये आपके ए पॉइंट से भी पास होगी, मे बी ए पॉइंट से भी पास हो, सही है, क्योंकि आपकी इस तरह की फिगर है ए पॉइंट से भी पास हो सकती है, सही है। तो ये आपका 90 डिग्री आपका इस तरह से बन जाएगा, ये आपका लोकस बन गया और ये वाला जो पॉइंट होगा ये एंड पॉइंट हो जाएगा, आप लेबलिंग कर देंगे। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, इस एम और एन का डिस्टेंस निकाल ले, तो फिर आप स्केल से इस डिस्टेंस को मेजर कर लीजिए, ये फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर को आप मीटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो एज्यूम करता हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं 3 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दी 30 मीटर आपका डी पार्ट हो जाएगा, ये पूरा एक लोसाई का क्वेश्चन हो गया, सही है बेटा। ए एंड बी आपने एंगल बनाना था, ए एंड बी एंगल कैसे बनाएंगे, आप बी से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन करेंगे जो उस लाइन को क्या करे आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को 90 डिग्री एंगल में काटे 90, तो वो एंड पॉइंट उस एंड पॉइंट को ए से कंबाइन कर देंगे, उस एंड पॉइंट को किससे कंबाइन कर देंगे ए से कंबाइन कर देंगे, सही है। और जाहिर बात है ये लाइन ए से भी पास होगी, मैंने जरा क्योंकि रफली बना रहा हूं तो आप एक्यूरेट बनाएंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा 7 जी, किसी को 7 के अंदर प्रॉब्लम है तो बता दे बेटा क्वेश्चन में 7 के अंदर। ओके गुड, अब आ जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 लोसाई का कंस्ट्रक्शन, ये बेसिक कंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ये सारे पास में क्वेश्चंस हैं, आपकी और अच्छी हो जाएगी। देखें अब आपने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी, अब ट्रायंगल के अंदर एक्स वाई कितना है 11.2, तो आपने एक्स वाई एक 11.2 सेंटीमीटर की एक लाइन बना देनी, क्या कर देंगे 11.2 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दे, वो उसका नाम क्या होगा एक्स एंड वाई, ये x हो जाएगा, ये आपके एस वाई हो जाएगा और ये आपके एस क्या आ जाएगी, अस्तगफिरुल्लाह एक मिनट, सही नहीं y सही नहीं लिखा जा रहा, ये y और ये कितना है 11.2 सेंटीमीटर की हमारी लाइन बन गई। अब हमें एंगल बनाना है, अब हमें सबसे पहले y z y, अब कंपास खोलना है उसकी 8.4 सेंटीमीटर और y पे रख के एक आर्क बना देनी, 8.4 सेंटीमीटर आर्क बना दीजिए, बना दिया आपने आर्क, ओके। अब x y z x, अब d यहां पे रखनी है और d यहां पे रख के 10 कितने की 106 की एक लाइन ऐसे बना दीजिएगा, 106 की आपने एक सीधी लाइन ऐसे बना दे, ये आपने लाइन बना दी, ये लाइन ये 106 एंगल होगा, ये लाइन और ये आर्क जिस पॉइंट पे काटेंगे, ये आर्क जिस पॉइंट पे काटेंगे वो पॉइंट आपका z पॉइंट हो जाएगा, उस पॉइंट को और एक्स को कंबाइन कर दीजिए, उस पॉइंट को और एक्स को कंबाइन करें, ये आपकी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई, सही बेटा, ये आपकी ट्रायंगल बन गई है, सही है, जिसमें वाई जी आपके कितना है 8.4 सेंटीमीटर है, 8.4 सेंटीमीटर और ये एंगल यहां से यहां तक, ये एंगल कितना है 106 है, डी विद हेल्प ऑफ डी आपने एंगल भी कंस्ट्रक्ट कर दिया, सही है, ये आपकी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी, पहला पार्ट आपका हो गया, पहला पार्ट आपका हो गया। दूसरे पार्ट में कह रहे ड्रॉ द लोकस of points that are equidistant from x, y and y, z. So that is angle bisector banana hai. Kiska angle ba? Y, x, z ka angle bisector banana hai. To aap kaise angle bisector banayenge? Aap x pe needle rakhenge, ek arc kidhar laga denge, ek arc kidhar laga denge. Sahi hai, do arc. Phir needle ko is point pe rakhenge, ek arc kidhar laga denge, phir needle change mat karega uska size. Phir idhar is point. To in points ko aap combine kar dijiye. In points ko aap kya karenge? Combine karenge. Combine isko x ko aur wo unka point of section ko aap combine karke aage ki taraf badha dijiye. ये आपकी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर का लोकस ग्रीन जो मैंने बना दिया, ये कौन सा पार्ट हो गया मेरे पास, बी पार्ट मैंने ड्रॉ कर दिया, ये बी पार्ट था ड्रॉ कर दिया, एक्स वाई और वाई जेड का एंगल बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ कर दी। अब आगे कह रहे ड्रॉ द लोकस ऑफ द पॉइंट
that are 3 centimeter, 3 centimeter from the YZ line से, YZ line से 3 centimeter है, और आगे आगे नहीं कह रहा है, और add on the same side of as X, यानी X की तरफ वाली साइड, X YZ के X की तरफ इस तरफ है, तो that means YZ आपके पास ये लाइन है, YZ आपके आपकी ये लाइन है, इस लाइन के YZ की इस लाइन के एक लाइन से इक्विडिस्टेंस जब कहेगा तो दो पैरेलल लाइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, दो पैरेलल लाइन, अब दो पैरेलल लाइन बनाएंगे, एक लाइन के YZ के राइट साइड पे बनाएंगे, लेफ्ट साइड पे, यानी एक एक्स की तरफ बनाएंगे, बाहर की तरफ बनाएंगे, तो एक्स की तरफ आप बना दे, YZ के पैरेलल लाइन बना दे, पैरेलल लगे, और इससे इसका डिस्टेंस कितना हो, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो, डिस्टेंस कितना हो 3 सेंटीमीटर, आप एक लाइन बना दीजिए, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन हो, ये लाइन, ये जो बनाई है मैंने लाइन, इट इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस, इन दोनों लाइन का YZ का और इस जो लाइन ड्रॉ की इसका बिटवीन डिस्टेंस कितना 3 सेंटीमीटर हो, वो आप विद द हेल्प ऑफ स्केल भी कर सकते हो, और पैरेलल लाइन भी हो, और क्या हो, पैरेलल लाइन हो, तो बाहर बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही लाइन बना दी, वैसे तो दो बनानी पड़ती है क्योंकि इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपको, वंस एक एक साइड, यानी कि जिस साइड पे एक्स है उस साइड पे आपने लाइन ड्रॉ करनी, ड्रॉ कर दिया आपने, सही बेटा, ये आपका क्वेश्चन सी पार्ट हो गया, सी पार्ट में पैरेलल लाइन वाले लोकस भी आपने कर दिया। अब देखिए क्या है, देखें इन पार्ट सी ड्रॉ द लोकस ऑफ द पॉइंट्स वे दैट आर 3 सेंटीमीटर फ्रॉम YZ, YZ इज अ लाइन, किसी भी लाइन से पार्ट बी, पार्ट बी दो लाइनों से इक्विडिस्टेंस कह रहा है, दो लाइनों से इक्विडिस्टेंस कह रहा है, तो पार्ट बी गलत बनाया है, दो लाइनों से गलत बनाया ना, उसका कॉमन पॉइंट तो वाई है, पार्ट बी आपने पहले क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया कि मैंने गलत बनाया, मैंने एक्स पे एक्स कॉमन पॉइंट, मैंने गलत बनाया पहला पार्ट, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया, ये गलत बात है, पहले बताना चाहिए था आपको, सही है, आपको पहले बताया सर, आपने आपको जो बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो एक्स जेड और वाई जेड का बनाना है, मैं एक्स वाई और वाई जेड का, एक्स जेड का बना दिया, गलती से बना दिया था, गलती क्या, बहुत बड़ी गलती, क्वेश्चन गलत हो गया मेरा, मैंने गलती क्वेश्चन, अब मैंने क्योंकि कॉमन पॉइंट इनका वाई आर्क यहाँ पे वाई पे रखूंगा, क्योंकि वाई का ये कार बना दी, ये कार बना, फिर इधर के एक आर्क इधर बना दूंगा, और फिर इधर के एक आर्क इधर बना, इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन कर दूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को कंबाइन कर दूंगा, ये तो बी पार्ट मैंने गलत किया था, उसको करेक्शन देख लीजिए, बी पार्ट की करेक्शन, थैंक यू बेटा, ये बनेगा एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि आपको एंगल बाइसेक्टर किसका कह रहा है, एक्स वाई और वाई जी का कह रहा है, जो मैंने गलत किया था, सही है, ओके, अब ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट के अंदर जरा गौर से देखें, तो सी पार्ट के अंदर हमें क्या कह रहा है, ड्रॉ द लोकस ऑफ द पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम वाई जी से, अब एक लाइन से इक्विडिस्टेंस कहेगा तो दो पैरेलल लाइन बनाएंगे, यानी उस लाइन के राइट साइड पे एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, क्योंकि वाई जी क्या एक लेफ्ट साइड पे बनाएंगे, मगर इधर क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं एक तरफ ही बना दो, ऑन द सेम साइड ऑफ वाई जी के एक्स की तरफ वाली, तो एक्स की तरफ एक पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर देनी है, क्या कर देनी है, ड्रॉ बना देनी है, 3 सेंटीमीटर जिसका डिस्टेंस क्या हो 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस हो वाई जी इधर से, ये डिस्टेंस कितना हो 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो, सही है, ओके, ये आपने कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, थैंक यू बेटा, ओके, नेक्स्ट डी पार्ट के अंदर आपके पास क्या कह रहे हैं, इन पार्ट डी के अंदर आपको कह रहा है ड्रॉ द जो 3 सेंटीमीटर फ्रॉम आपके स्केल, ड्रॉ सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर हो, सही है, सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर विच इज टचेस, जो कि एक्स वाई को और वाई जेड को टच करे, वाई जेड को टच करे, सही है, और आपके स्केल है द सेंटर ऑफ सर्कल द लेटर ओ, लेटर ओ क्या हो, सेंटर ऑफ सर्कल हो, अब ओ क्या बना है इस क्वेश्चन में, ओ के बारे में कुछ कह रहे हैं, ओ आपके पास क्या है, ओ मेरे ख्याल से इन दोनों लोकस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो, ड्रॉ द सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर जो जारी बात है इस ग्रीन लाइन पे होगा और लेबल ऑफ द सेंटर ओ, ओ के बारे में इधर कुछ भी नहीं कह रहा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कुछ इनकम्प्लीट है, बट ओ जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये पॉइंट है, वो ये पॉइंट हुआ है, इन दोनों बाइसेक्टर, इन दोनों लोसाई का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हुआ है, अब इधर से 3 सेंटीमीटर ओपन करना है और एक सर्कल बना देना है, एक सर्कल बना देंगे 3 सेंटीमीटर का, जो वो सर्कल क्या करेगा, दोनों एक्सिस को, दोनों को टच करेगा, कौन से दोनों को, एक्स जेड को, दोनों को टच करेगा, सही है बेटा, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, सही है बेटा, ये दोनों को लग भी लगे भी ना, सर्कल लगे भी, ये आपके सो पे सर्कल, ये आपने ड्रॉ कर दिया,
ओ बेसिकली क्या है, ओ के बारे में एक्सप्लेनेशन किधर नहीं दे रहा, कुछ मुझे नजर नहीं आ रही ओ के बारे में। ओ इज अ दोनों लोकस का सेंटर है, दोनों लोकस का क्या है सेंटर है, और क्वेश्चन में भी नहीं कह रहा है, और ये कह रहा है एक्स जेड और वाई जेड लाइन, एक मिनट ड्रॉ द सर्कल 3 सेंटीमीटर विच इज टचेस द लाइन, कहां पे एक्स वाई और वाई। ओ सॉरी 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 सॉरी, आप नहीं कह रहे ना ओ कौन सा पॉइंट, और जहां पे दोनों टच कर रहे हो, और दोनों आपके इसके ड्रॉ द सर्कल 3 सेंटीमीटर विच इज टचेज द लाइन, हाँ टच बिल्कुल सही है, दोनों को टच करेगा, आप बनाएंगे ना ओ पॉइंट को बनाएंगे और सर्कल टच करेंगे, दोनों को टच करेगा, क्योंकि ये बेटा मैं रफली बना रहा हूँ, बेसिकली मुझे इसको कैंपस वगैरह लेके और दूसरी तरह से वीडियो रख के क्या मोबाइल रख के और पेंसिल से मुझे खुद करना चाहिए, जो बेस्ट तरीका है, जो बेस्ट तरीका है उसका, क्योंकि विजुअली आपको मेरे हाथ और सारी वर्किंग नजर आनी चाहिए जिससे एक्यूरेटली काम हो, मगर आप करिएगा बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं उस तरह से भी क्वेश्चन करवाऊंगा उस तरह से भी क्वेश्चन, मगर आगे जाके इंशाल्लाह वो उस तरह से क्वेश्चन कर पाऊंगा। सही है, अब बेटा अब एक आते हैं, अब और अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ रहा है, जो काफी बड़ा क्वेश्चन है, जो IGSE में आपके पास पेपर 4 में आता है और आपका बेटा पेपर 2 में आता है। सही है, बड़ा क्वेश्चन है 9, उसको भी हम डील करते हैं। अब ये ए पार्ट है उस 9 का, 9 का बी पार्ट काफी बड़ा है, अदर बी सी डी पार्ट्स हैं। 88 का पास पेपर का क्वेश्चन है बेटा, 88 के पास पेपर का ये क्वेश्चन है। ओके बेटा, पहले सिर्फ एक ही होता था कैम्ब्रिज, बाद में डिवाइड हुए। ओके, अब ये आपके पास क्या है, ये 4 पार्ट्स हैं। अब यहां पर इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी नजर आ रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी नजर आ रहा है। सही है, अब देखिए टॉपिक मिक्स हो रहे हैं। सही, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। क्या आप फार्मर फील्ड आपके स्कैब ए बी सी डी यानी 4-sided फील्ड है, कोऑर्डिनेटेड है, विच लाइज द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज बाउंडेड ऑन द 2 साइड्स बाय द स्ट्रेट रोड, 2 साइड पे स्ट्रेट रोड है विच मीट एट राइट एंगल एट द पॉइंट ए, यानी वो दोनों रोड मीट कर रहे हैं ए पॉइंट पे, और द पॉइंट बी लाई ऑन वन ऑफ द रोड, पॉइंट बी वन ऑफ द रोड पे लाई कर रहे हैं बी, और डी पॉइंट लाई ऑन द अदर कहानी कर रहा है। अब कहानी को अब करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ए बी कितना है 120 सेंटीमीटर, अब 120 मीटर है, 120 मीटर को जारी बात है मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, मैं 10 सेंटीमीटर को 1 ले लेता हूं, तो मेरे पास मैं क्या 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो मैंने 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, ये मेरे पास ए बी आ गया और ये बी आ गया, ये 12 सेंटीमीटर की लाइन बराबर। और फिर मेरे पास क्या है ए डी, ए पे रखना है, ए पे रखेंगे और आप 12 ये ए डी ए पे रखेंगे और 8 सेंटीमीटर के कंपास खोलेंगे और आर्क लगा देंगे, ये आर्क आपने लगा दिया। फिर आपके पास क्या है, आपके ए डी सी हमारे आपके क्या है, ए बी सी आपके कितनी है, ए बी सी आपके पास कितना है 54 है। अब ए आपने लिखा ए और क्या भी रहा 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर कह रहा है क्वेश्चन में, ए बी सी तो ये कितना 56, 56 डी यहां पे रखूंगा मैं, 56 यहां पे आ रहा है, ये सीधी स्ट्रेट लाइन बनाऊ अच्छे तरीके से बने, एक मिनट का बाद में बनाऊंगा, पहले लाइन ड्रॉ कर दो, तो 56 से मैं बना दूंगा प्रॉपर, आप बनाएंगे 56, ये लगे भी आपको 56 है, ये 56 एंगल बना, सी पॉइंट इधर होगा, ये कितना हो गया 56 हो गया। सही है, ओके इधर तक हमारे पास हो गया, और ए आप कैसे क्या हो गया, ए आप क्या, और कर्व आपने ए से ए पे रखना है, ए पे रख के आपने आर्क बना देनी है डी पॉइंट, ए डी आप कैसे है, और सी पॉइंट आप कैसे क्या है, ए सी बी 56 है और ए डी डी पॉइंट ए डी डी कहां पे ए डी सी 156 आप कैसे कितना हो जाएगा, ये आप कैसे कितना ए डी सी, ए डी सी ए एंगल तो नहीं है मेरे पास, ए पे रख के मैंने किधर की 8 सेंटीमीटर की आर्क बना दी, ये आर्क बना दी। सही है, अब ये आर्क बना दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा,
एंगल, और दूसरा एंगल कितना है सी पॉइंट, कहां पे सी पॉइंट, तो इस लाइन पे आ जाएगा ना, बी लाइन पे सी पॉइंट आ जाएगा। डी कहां पे, एक मिनट, डी लाइन अदर साइड, डी कहां पे लाई कर रहा है अदर साइड, एक मिनट एक मिनट, ये क्वेश्चन में कह रहा है 120 और एडी, एडी 8 सेंटीमीटर, ए से डी आपने 8 सेंटीमीटर की आर्क बना देंगे, और ए डी सी 110 है, ए बी सी 56 है, ए बी सी 56 है। ओके, अब डी पॉइंट का पता नहीं चल रहा ना आपको, क्योंकि ये पॉइंट तो डी हो नहीं सकता, क्योंकि डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो लाइन है ये अलग है, उसको उसको अलग जा रही है, उस पर सी मिलेगा आपको, क्योंकि आपका ए बी सी इस पे सी मिलेगा, इस लाइन पे आपको कौन सा मिलेगा, सी पॉइंट मिलेगा, सही है। ओके, इसके अंदर आपके पास क्या है कि आपने, क्योंकि एट राइट एंगल एट ए, ए पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ए पे क्या है 90, ये 90 यहां पे मेंशन है, इधर डाटा में नहीं मेंशन, ऊपर मेंशन हुआ हुआ है, ए पे 90 बना, सी स्ट्रेट लाइन बना दी, फिर ए डी सी, ए डी सी आपने क्या डी से 110 एंगल मेजर कर, और लाइन जहां पे बी सी जहां पे इंटरसेक्ट कर रही 56 वाली, वो सी पॉइंट आ जाएगा। ये फोर साइडेड फिगर आपकी बन गई, बिल्कुल फील्ड फॉरवर्ड फील्ड आपके इसके बन गई, ये फोर साइडेड फिगर, जिसको मैं आपकी आसानी के लिए शेड भी कर दूं, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी शेप आपकी नजर आ रही है, सही है, जो आपकी फील्ड है वो ये वाली फील्ड है, इससे फोर साइडेड ये वाली फील्ड है, सही है, जिसको मैं शेड कर रहा हूं, सही है बेटा, ये आपकी फोर साइडेड शेप है जिसको मैंने शेड कर दिया, सही बेटा। अब नेक्स्ट आप क्या कह रहे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में ये हमने फोर साइडेड बना ली, अब इसी क्वेश्चन के अंदर क्या, अ ट्री इन द फील्ड 60 मीटर फ्रॉम ए, 60 मीटर यानी कि ए पे रख के 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना देंगे, तो ए पे रखूंगा और मैं 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर आपके ये कितना था 8 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का आप सर्कल बनाएंगे, तो कुछ आपको ऐसा थोड़ा सा ये ए सेंटर होगा, ये सर्कल बन जाएगा 6 सेंटीमीटर, सही है, वो 8 था बिल्कुल सही है, 6 सेंटीमीटर का आप सर्कल बना देंगे ए पे रख के, सही, क्योंकि एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंस क्या रहा है, तो वो सर्कल बनेगा आपको लोकस सर्कल, फिर आपके इक्विडिस्टेंस बी, आपके फेंसेस आपके बी सी और सी डी, बी सी कौन सी है, बी सी ये लाइन है, और सी डी, सी डी कौन सी है, ये लाइन, ये सी डी तो बहुत छोटी है, तो इस पर रख के मैंने क्या बनाना है, एंगल बाइसेक्टर बनाना है, तो आर ए बी सी और सी डी, बी सी और सी डी, यानी एक आर यहां लगा दूंगा और फिर एक आर यहां पे लगाऊंगा और एक आर यहां लगा दूंगा, फिर इन दोनों को मिला दूंगा, इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, सॉरी ये लाइन मेरे पास बन जाएगी, ये एंगल बाइसेक्टर बन जाएगी, सही है, ये लाइन आपने बना दी एंगल बाइसेक्टर लाइन बना, ओके, इधर तक भी हमने कर दिया ये दोनों, अब ए सर्कल भी बना दिया और बी सी भी बना दिया, यानी बी का पहला और दूसरा पार्ट दोनों कर दिया, सही है। अब द लेबल टी द पॉइंट रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ ट्री, तो ये लेबल टी कौन सा होगा, ये वाला जहां पे ये दोनों लोकस आपके इंटरसेक्ट करें, ये टी पॉइंट हो जाएगा, ये जहां पे ट्री होगा, ये फील्ड के अंदर ये टी पॉइंट है, जहां पे दोनों लोकस आपके रेड लाइन और ग्रीन सर्कल की लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, ये आपका लेबल आ जाएगा, ये आपका टी टी पोजिशन आ जाएगी, ओके, टी पोजिशन भी हमने कर ली। सी पार्ट में क्या कह रहा है, सी पार्ट में अब यहां पे टी इस पोजीशन पे ट्री है, क्या है ट्री है आपके फॉर्मल लैंड पे, इधर ट्री है, अब आगे क्या कह रहा है, अवर अवर इन द फील्ड इज 10 मीटर फ्रॉम द रोड ए बी, ए बी से कितना है 10 मीटर है, ए बी से कितना है, फिर आपके क्या है आपके अवर द फील्ड इज 10 मीटर फ्रॉम ए बी रोड, यानी कि ए बी रोड से 1 सेंटीमीटर की लाइन बना देगी, जो दो पैरेलल लाइन बनानी है ना ए बी से, अब क्योंकि एक लाइन से इक्विडिस्टेंस कह रहे हैं तो दो पैरेलल लाइन बना दी, अब दो पैरेलल लाइन, एक लाइन ऊपर बनानी एक नीचे बनानी, तो फील्ड के अंदर बना दी, क्योंकि आपके फील्ड के अंदर की जरूरत है, तो पैरेलल लाइन बना देंगे 1 सेंटीमीटर की, कितनी 1 सेंटीमीटर की पैरेलल लाइन बना देंगे, ऊपर नीचे लाइन से ऊपर नीचे ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो, तो ऊपर बना क्योंकि फील्ड के अंदर की बात हो रही है, फील्ड के अंदर कर दी, और इसको भी जरा इसको भी थोड़ा सा आगे की तरफ ले आए, शायद आगे कुछ इसकी भी काम हो, ओके इस लाइन को आगे। अब सी पार्ट के अंदर ये हमने बना दिए इक्विडिस्टेंस, और इक्विडिस्टेंस और कह रहा है आल्सो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सी डी, सीजी से इक्विडिस्टेंस, सीडी का सीडी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूंगा, अब सीडी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना बड़ा अजीब काम है, क्योंकि छोटी सी सीडी लाइन है, इधर कंपास रखूंगा एक आर्क इधर बना दूंगा, इधर कंपास एक आर्क इधर, फिर डी पर रख के एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, फिर इन पॉइंट्स को मैं कंबाइन कर दूंगा, इन पॉइंट्स को मैं कंबाइन करूंगी, ये मेरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे इधर बनेगी, इधर बीच में बनेगी, वो उधर मैंने कल आर्क बना दी,
आर्क क्योंकि ऐसे बन जाएगी, ये आर्क ऐसे, ये और ये बन जाएगी। अब इस लाइन को थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाइए क्योंकि आपको आगे की तरफ जरूरत होगी, इस लाइन को ये आगे की तरफ ले जाइए, सही। ये आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दी, सीडी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दी और आपने पैरेलल एबी के पैरेलल लाइन बना दी, सही है। ओके, सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, ये आपने कर दिया। तो रिप्रेजेंट फिर कह रहे हैं द रिप्रेजेंट पोजीशन, दोनों लोसाई जिस पॉइंट पे काट रहे हैं वो डब्ल्यू होगा। दोनों पॉइंट कहां पे काट रहे हैं, ये इस जगह पे काट रहे हैं, इस पॉइंट पे काट रहे हैं दोनों, ये आपका डब्ल्यू हो जाएगा। ये आपके पास कौन सा पॉइंट हो जाएगा, डब्ल्यू, यानी ट्री यहां पर है और W यहां पर, W आपका दूसरा पॉइंट है, आप उसको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ दोनों लोसाई का W भी आ गया, P और W आपने लेबलिंग कर दी, सही है, लोसाई आपने बना के P और W की लेबलिंग कर दी। फिर आप क्या कह रहे हैं, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 15 डिग्री, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 15 डिग्री और द शेडो ऑफ द ट्री रीच आप क्या है कॉर्नर बी, कॉर्नर बी को रीच कर रहा है, कॉर्नर बी को आप गेस क्या कर रहा है, रीच कर रहा है। बाय फर्दर ड्राइंग एंड करेक्ट टू आप गेस के व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन आप गेस के व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस सन 15 सेंटीमीटर शेडो ऑफ द ट्री रीच आप गेस कह रहे टू द कॉर्नर बी द फर्दर ड्राइंग और अदरवाइज फाइंड द करेक्ट नियरेस्ट इन द हाइट ऑफ द ट्री। बेटा कुछ भी नहीं करना, आपने इस बी पॉइंट पे करना है, बी पॉइंट से सीधी एक लाइन लेके जानी है आपने और ये आपका ट्री भाई है, ट्री आप समझ लें वर्टिकल है, मैं बना नहीं सकता, ये एंगल कितना है 15 डिग्री एंगल है, 15 ले लीजिए। अब ये डिस्टेंस स्केल से मेजर कर लीजिए, स्केल से मेजर कर लेंगे आप, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, उसको मीटर में जब आप कन्वर्ट या सेंटीमीटर में ही रहने दें और एंगल 15 है, एंगल क्या है 15 है और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन है 10 15 और हाइट कितनी एच हो जाएगी, बेस आप इसकी लोसाई से निकालेंगे, लोसाई से जितने सेंटीमीटर आएगी इधर से वो वैल्यू इधर पुट कर देंगे, ये हाइट आ जाएगी, हाइट को फिर मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ये डी पार्ट होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री बीच में इन्वॉल्व होगी इसके अंदर, यानी बी पॉइंट से आपने ट्री के टॉप को शेडो, उसका शेडो जो बी पॉइंट बन रहा है उसका एंगल कितना 15 डिग्री है, कितना है 15 डिग्री आपका एंगल है, सही है बेटा, और इस तरह से ये डी पार्ट होगा। ये क्वेश्चन था, क्लियर है क्वेश्चन, किसी को कोई प्रॉब्लम है, बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको मैंने कहा करवा दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं इस क्वेश्चन के अंदर जी। अब सारे क्वेश्चन ओके गुड आप कैस। अब देखिए अब एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ये करवा दूं और फिर एक और बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेतहाशा है इस वर्कशीट के अंदर, ये वर्कशीट भी शायद मैंने आप लोगों से शेयर की है नहीं की है, मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा। ओके इस क्वेश्चन में देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन है, ये बड़ा हल्का क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसमें ऑलरेडी फील्ड बनी हुई है तो हम इसी फील्ड पे काम करेंगे तो हमारे पास हम स्पीकर को बड़ा कर देते हैं, ये हमने बड़ा कर दिया, ऑलरेडी बनी हुई, कहता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर के बराबर है। ओके द डायग्राम सही इज अ आपके इसका आपके प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड एबीसी क्या है आपके रेक्टेंगुलर ड्रॉ टू दिस स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 100 मीटर को 1 सेंटीमीटर इसका 100 रिप्रेजेंट अ ट्री टी सही है ट्री क्या है टी है इज द फील्ड आपके इसके 250 मीटर फ्रॉम ए ए से 250 और इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी सी बी ए और बी सी से इक्विडिस्टेंस है तो इसका मतलब टी पॉइंट आपने टी पॉइंट दो लोकस का आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक लोकस आपका क्या बन रहा है 100 है तो 2.5 सेंटीमीटर कितना 250 डिवाइडेड बाय 100 दैट मींस 2.5 सेंटीमीटर का ए पे रख के आपने एक सर्कल बना देना है ए सेंटर होगा ए पे रख के आपने 2.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ये सर्कल बना दिया तो ए आपका सेंटर है तो ये 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल बना देंगे आप क्योंकि इस पेपर पे तो सेंटीमीटर में ही काम करेंगे ये सर्कल बना दिया आपने और फिर क्या आगे क्या कह रहे हैं आपने किससे करना है ए बी और बी सी यानी कि अब ए पे रखना एक आर्क यहां लगा देनी और एक आर्क यहां लगा देनी है फिर इधर एक आर्क इधर मिडल रखिएगा एक आर्क यहां लगा दीजिएगा और एक आर्क इसको इधर लगा दीजिएगा फिर इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन कर दीजिएगा इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या कंबाइन कर देंगे बी पे रखना नहीं बनाना आर्क फिर मैं गलत कर रहा हूँ बी ए ए बी और बी ओ फिर गलत कर रहा हूँ सॉरी स्ट्रीमी सॉरी बेटा फिर गलत कर रहा हूँ अस्तफिरुल्लाह फिर गलती कर दी मैंने और से किए ए बी और बी सी अब बेटा यहां पे रखूंगा आर्क यहां पे अब बी सी है मैं वो बी ए सी कर दिया मैंने
तो एक आर यहां पर रखूंगा और यहां पे ये बना दी, सही है, थैंक यू। फिर गलती कर दी थी, ओके। इसको आपने एक लाइन बना दो, सही ये लाइन आपने बना दी, सही। सर्कल थोड़ा सही नहीं बना हुआ था, 2.5 सेंटीमीटर, एक मिनट कहाँ है, एक सर्कल को ऐसा बनाएंगे कट भी करें तो 2.5 सेंटीमीटर, सही बना, ये ऐसा सर्कल, ये 2.5 सेंटीमीटर है, सही है। अब ये दोनों लोकस जिस पॉइंट पे फील्ड के अंदर, फील्ड के अंदर देखिए, टी इज इन द फील्ड, फील्ड के अंदर, तो टी पॉइंट आपका कौन सा होगा, ये रेड वाला पॉइंट, ये पॉइंट टी होगा बेटा, ये फील्ड के अंदर वाला जो पॉइंट, ये पॉइंट टी होगा, सही है बेटा, जो फील्ड के अंदर होगा, ये आप बिल्कुल प्रॉपर बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएगी, सही। ओके, ये हमने तो इधर कर दिया, टी को लेबलिंग कर दी, ए पार्ट कर दिया, टी को हमने क्या करना है, अप्रोप्रिएट लेबल कर कंस्ट्रक्ट करना था, और टी को लेबल करना था, लेबल कर दिया। फिर बी पार्ट में क्या है, यूजिंग द डायग्राम टी से बी, अब टी से बी का मैंने डिस्टेंस निकालूंगा, सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मीटर में आ जाएगा, सही है। और फिर आपको क्या कह रहे हैं, बेरिंग टी फ्रॉम बी, टी फ्रॉम बी बेरिंग मालूम है, यानी कि फ्रॉम बी, बी पे नॉर्थ बनाना है और टी बी तक आपने एंगल, यानी कि ये एंगल टी बी तक, यानी यहां से यहां तक ये एंगल आपने मालूम करना है, ये एंगल आपने मालूम करना है। अब ये एंगल कैसे मालूम करेंगे बेटा, ये एंगल, अब मुझे ये बताएं ये एंगल आपके पास कैसे आएगा, अब ये एंगल किस तरह से आएगा, ये आपने थोड़ा सा दिमाग आपने भी लगाना है, किस तरह से एंगल निकालना है ये, क्योंकि आपको कह रहे हैं बेरिंग टी फ्रॉम बी, बी पे नॉर्थ और टी बी लाइन तक, यानी यहां से यहां तक का ये एंगल निकालना है। तो बेटा ये लाइन आपको, ये पूरा एंगल पता, ये पूरा एंगल पता है, जब ये पूरा एंगल आपके पास, आपको पता चल जाए, आपको पूरा एंगल पता चल जाए, पूरा एंगल कैसे पता चलेगा, डी से मेजर कर लीजिएगा, उसको हाफ कर दीजिए, उसको 90 में, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है, 90 में से माइनस कर देंगे तो बेरिंग आ जाएगी, 90 में से इसको D से मेजर करेंगे, ये पूरा एंगल आएगा, उसको आधा करेंगे तो यहां से यहां तक ये एंगल आ जाएगा, सही है। तो वो ये एंगल होगा बेसिकली, उसको टोटल एंगल कितना है, क्योंकि नॉर्थ बन रहा है BC पर, नॉर्थ बन रहा है BC पर, नॉर्थ ऊपर पेंडिकुलर होगा, तो 90 में से माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा, जो आपकी बेरिंग होगी, सेकंड पार्ट का आंसर वो आपको कैलकुलेशन से पता चलेगा, सही है बेटा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, मैं जो बताना चाह रहा हूं जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? और उसमें से एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अच्छा, लोग इनको भी ना वो केसेस के फॉर्म में करते हैं, यानी ये केस वो केस, आप केसेस की फॉर्म में ना करें, आप उसकी लैंग्वेज पढ़नी है आपने, और इसको ना आपने ग्राफ पेपर पे करना है, ग्राफ पेपर पे आपने पर्टिकुलर आपकी स्केचिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए, इसमें जरा सी गलती आपने पूरे क्वेश्चन को खत्म कर दी। ये क्वेश्चन है, ये पेपर टू के अंदर आईजीएससी, वैसे तो आप लोगों के पेपर टू के अंदर आता है और आईजीएससी के अंदर भी आता है, पेपर फोर के अंदर ये क्वेश्चन देखने को। तो देखिये, ए पार्ट भी बड़ा आसान ट्राइंगल का शेप, बी पार्ट भी तीन लोग का तीन सर्कल बनेंगे, सी पार्ट के अंदर आपके पास अब आती है, आपको एरिया डिफाइन करना होगा, सी और डी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के, सही है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपके रह गए, क्योंकि ए और बी तो आप कर चुके हैं, अब सी और डी आपकी आपके लिए नए हैं, अब इस तरह के क्वेश्चन को डील करते हैं, मगर ए और बी तो हमें करना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे ट्राइंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करनी है, तो मैं ए बी मेरे पास कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो ए बी 12 सेंटीमीटर की लाइन बना दूंगा, तो ये मेरे पास ए होगी और ये मेरे पास बी है और ये 12 सेंटीमीटर की मैंने लाइन बना दी। और फिर मैं ए बी सी, ए बी सी कितना है 50, डी यहां पर रखना है और 50 डिग्री एंगल मेजर करके मैंने एक लाइन बना देनी, 50 डी से मेजर करके एक लाइन बना देनी है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ गया 50 डिग्री, ये एंगल में ये लाइन एंगल बना, और मेरे पास बी सी कितना है, बी पे रख के कंपास खोलना है कितना 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर खोल के एक आर कैसे बना देनी है, तो ये पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, कि सी को मैंने ए से मिला देना है, ए से मैं कंबाइन कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी ट्रायंगल बन जाएगी, ये मेरे पास क्या बन जाएगी ट्रायंगल बन जाएगी। तो बीसी मेरे पास क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये आपके 7 सेंटीमीटर है, और एसी मेरे पास क्या है, निकालने की जरूरत ही नहीं थी हमें, हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी थी, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हमने कर दी, सही है, ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इस ट्रायंगल में आपको क्या कह रहे हैं, इस ट्रायंगल में कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर सी पे रख के
बी ए पे रख के 9 सेंटीमीटर की सर्कल बना दें, ए पे रख के 9 सेंटीमीटर का सर्कल बना दें, आप ए पे रखा 9 सेंटीमीटर का सर्कल आपने बना दिया, सही है, ए पे रखे। फिर कह रहा है बी पे रखना है और आपने 5.5 सेंटीमीटर का बी पे रखे 5.5 सेंटीमीटर का बी पे रखे 5.5 सेंटीमीटर का आपने सर्कल बना देना, 5.5 आपको लगेगी कि 5.5 का आपने सर्कल बना, ये लग नहीं रहा इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ सर्कल को इस तरफ से सेंटर, सही है, ओके थोड़ा सा ये 5.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दिया, बी इज द सेंटर है, सही, कंपास रख के निडल रख के और घुमा देना आपने सेंटर में। फिर आपको कह रहे ए बी के, अब दो सर्कल आपने बनाया, फिर ए बी के एक लाइन से इक्विडिस्टेंस कह रहा है, एक लाइन से इक्विडिस्टेंस कह रहा है, तो ए बी के पैरेलल लाइन बनानी, तो इसका मतलब ए बी के ऊपर एक पैरेलल लाइन बनानी, एक नीचे बनानी है, तो आप एक साइड बना फील्ड के अंदर ट्राइंगल के अंदर वाले ऊपर ही बना दीजिए, तो कितने सेंटीमीटर लाइन से कितने ऊपर हो 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर ये, यानी इस लाइन का ए बी और इसका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना हो 2.5 सेंटीमीटर, सही, पैरेलल लाइन आपने बना दी, ये आपने बना दिया आपने, ओके जरा गौर से देखें। अब आपके पास क्या कह रहा है, बड़ी छोटी सी फील्ड दे रहा है, ये जरा मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी बड़ी भी लगेगी फील्ड, इस सर्कल को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, थोड़ा सा मुझे और ऐसे कर दूंगा, नहीं इसको, ये अब इसकी पोजीशन सही है, इसकी पोजीशन कम है, ये 9 कम है इसका मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से इतनी खूबसूरत वो क्लियर नहीं होगी पिक्चर, ये सर्कल इसको बड़ा करना पड़ेगा मुझे, हाँ इतना बड़ा भी नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम करते हैं, ओके ये हो गया, ओके डन, ये आपके साथ आ गया, ये पैरेलल लाइन, ये 2.5 सेंटीमीटर, ये तो 2.5 सेंटीमीटर की लाइन, सही है, इधर तक हमने कर लिया, ये हमने थोड़ा सा क्योंकि आगे के पार्ट हो जाए ना हमारे से खूबसूरत तरीके से, बहुत छोटी पिक्चर, ओके बेटा, ये हमने जो जो उसने कहा था ए पार्ट में, जो बी पार्ट में कहा था वो ड्रॉ कर दी, कोई लेबलिंग नहीं करनी। अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन सी पार्ट में कह रहा है, सी पार्ट में बेटा क्या कह रहा है, सी पार्ट में कह रहा है मार्क एंड लेबल ऑन योर डायग्राम अ पॉसिबल पोजिशन ऑफ पॉइंट पी, पी पॉइंट की पॉसिबल विद इन दी ट्राइंगल, ट्राइंगल की तो ट्राइंगल के अंदर होगी वो पोजिशन, वो कह रहे हैं कि 9 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, फ्रॉम ए, यानी ए से 9 सेंटीमीटर, यानी कि इस ब्लू सर्कल के अंदर अंदर होगी, यानी इधर अंदर अंदर होगी, इधर अंदर अंदर होगी, सही है ना, इधर अंदर अंदर कहां पे होगी, और फिर क्या कह रहे हैं, सॉरी और फिर क्या कह रहे हैं, बी टी और बी से पी का जो डिस्टेंस है वो 5.5 से कम होगा, बी से पी का डिस्टेंस 5.5 से कम होगा, तो इसका मतलब है इस जगह पे होगा, जो दोनों बातें कर रहा है दो इस जगह पे होगा, और तीसरी बात क्या कह रहा है कि वो पी ए बी, पी ए बी क्या बनेगी, ट्राइंगल बने, पी ए बी ट्राइंगल बने, उसकी एरिया ट्राइंगल का कितना हो, उस ट्राइंगल का एरिया कौन सी, पी ए बी, यानी ए पॉइंट ये 12 हो गया, अब ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या, 1/2 12 मल्टीप्लाई बाय ये 6 हो जाएगा, और ये आप कैसे क्या हो जाएगा 2.5, अगर करता हूं 2.5 करता हूं तो 5, और ये कितना हो जाएगा आपके 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो कितना आएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 15 12 आ जाएगा, एक मिनट 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 15 आ रहा है कि नहीं, सॉरी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 15 आ रहा है, सही है। अब सर गौर से देखो ये एरिया कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस, तो इसका मतलब पी पॉइंट की जो पॉसिबल पोजीशन है वो इस ये लाइन है, कौन सी लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, ये पॉइंट है, इस लाइन पे कहीं पर भी पी हो सकता है, ये जो डार्क कर रहा हूं ना मैं लाइन, ये लाइन डार्क कर रहा हूं, तो पी की पोजीशन पूछ रहा है आपके पास, मार्क द लेबल ऑन योर डायग्राम पॉसिबल पोजिशन, पॉसिबल पोजिशन ऑफ पी विद इन दी ट्राइंगल, यानी कि इस लाइन पे कहीं पर भी आप पी बना दें, कहीं पर कोई भी पी पॉइंट, यानी उस पी पॉइंट, उस पॉइंट को आप इससे ए से मिलाए, उस पॉइंट को बी से मिलाए, जो ट्राइंगल बनेगी उसका एरिया 15 ही होगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट आपके पास होगा, सही है, वो आपके इसके विद इन दिस होगा, आपके इसके अंदर होगा, और इधर ये आपने मार्क कर दिया, ये आप इसको डार्क कर देंगे, मार्क कर देंगे लेबल, आपने पोजीशन ऑफ द पी पॉइंट विद इन द ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर होगा, इस लाइन पे होगी, एक तो ये पहला पार्ट हो गया, पहला सी पार्ट हो गया, आपने लेबलिंग करनी थी, आपने बताना था, सही, मार्क लेबल ऑन योर डायग्राम पॉसिबल पोजिशन ऑफ द पी विद इन द ट्राइंगल, ये कोई एक
सिर्फ ये लाइन इस लाइन पे कहीं पर भी हो सकता है, सही है। और कोई स्पेसिफिक पोजिशन ही लाइन पे यहाँ पर हो, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पोजिशन, तो लाइन पे कहीं पर भी हो सकता है, यानी एक पॉइंट में सिवाय सर्कल के एंडिंग पॉइंट से। ये जो रेड कर रहा हूं मैं, रेड और ये, इसमें कहीं पर भी हो सकता है बेटा ये पॉइंट। ये सी पार्ट हो गया। अब डी पार्ट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी पार्ट के अंदर आपके पास क्या कह रहे हैं, क्यू क्यू द पॉइंट क्यू इज सच दैट ए क्यू, ए से क्यू का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्यू इस सर्कल के ब्लू सर्कल के बाहर होगा और 5.5 के अंदर है, तो इसका मतलब बाहर किस जगह पे होगा। और कह रहा है 15 से ज्यादा एरिया है, 15 से ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है इसका पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन होगा शेडेड। क्यू किस जगह, ये जो ब्लू जगह है ना, क्यू किस जगह पे होगा, क्यू की शेडिंग, क्यू की रीजन ये होगी जो मैंने ब्लू कलर में आप शेड किए, और जो मैं रेड कलर में शेड कर रहा हूं, जो मैं रेड कलर में शेड करूंगा वो किसकी पोजिशन होगी, वो मेरे पास किसकी पोजिशन है, वो सी पार्ट की पोजिशन, ये जो ये सी पार्ट की थी, रेड और ये मिक्स हो गया, और वो मेरे पास ब्लू थी, यानी कि ये आपका सी पार्ट का था, सॉरी रेड सी पार्ट का था, और ये ब्लू किस पार्ट का है, इसके शेड कौन सा है, ये शेड है। सही बेटा, क्वेश्चन समझ में आया आपको, सिर्फ आपने लेबलिंग करनी है, क्लियर। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, सिर्फ ये मुझे बता दीजिए ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। सही है, ये देखो बेटा जिस वक्त आप लोग करोगे ना इन क्वेश्चंस को, ये पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं, उस वक्त पता चलेगा। अब देखेंगे ये, अब ये आपको थोड़ी 5 से 6 क्वेश्चन इस तरह के करेंगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस बनेगी, तो आपसे ये क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे। सही है, क्लियर। जो आपने येलो शेड ये वो नीचे नहीं जा सकती, बी तक टच नहीं हो सकती ये येलो शेडिंग, नहीं बी तक इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसने कहा एरिया 15 से ज्यादा हो, अब 15 से ज्यादा हो तो इस लाइन से ऊपर होगा, ये जो मैंने लाइन बनाई है 2.5 सेंटीमीटर की ऊपर होगा, इससे नीचे नहीं आ सकता, इससे नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि वो कह रहे हैं ना AQB आपके इसका 15 से ग्रेटर हो, एरिया क्या 15 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे नीचे 15 और 15 से कम होगा एरिया, एरिया क्या होगा कम होगा उसका, समझ में आ रही मेरी बात, ऊपर बनाऊंगा, ऊपर बनाऊंगा तो एरिया ज्यादा आएगा 15, क्योंकि तीन बातें, तीन और बातें ट्रू होनी चाहिए, पहली बात ब्लू सर्कल के बाहर हो 9 सेंटीमीटर ज्यादा हो, दूसरी बात ग्रीन सर्कल के अंदर हो यानी कि 5.5 के अंदर हो, वो वाली जगह भी देख ली, तो उसका मतलब वो पूरी ये जगह आ रही है ब्लू और नीचे व्हाइट जगह, मगर फिर उसके बाद आगे कह रहे एरिया 15 से ज्यादा हो QAB का, तो दैट मीन इस लाइन से ऊपर होगा वो पॉइंट, क्यू पॉइंट का होगा, इस लाइन से ऊपर वाली जो रीजन होगी वहां पर कहीं पर भी हो सकता है, तो उस रीजन को मैंने शेड कर दिया, वो मैंने येलो में शेड कर दिया उस रीजन को। सही है, तो ये शेडिंग वाले काम थे हमारे पास। किसी को कोई प्रॉब्लम है इधर तक तो मुझे बताए, किसी भी क्वेश्चन में। जी बेटा कोई प्रॉब्लम, जी पक्की बात है, ये क्वेश्चन असल टारगेट था, ये क्वेश्चन समझाना, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, सिर्फ ये बता दीजिए। जी सर आ गया। ओके गुड, अच्छा अब आते हैं एक और एक्सरसाइज, इसका एक और क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे क्वेश्चन हैं, हमें इसके लिए ड्रॉ करने हैं चीजें, इसी तरह के क्वेश्चन हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। ओके थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास के अंदर मजीद इसके मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, लेटेस्ट जो पास पेपर क्वेश्चन हैं वो करवाऊंगा आपको, लोसाइक है। सही, ये लोसाइक एक छोटा सा टॉपिक था, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन, ये अब आपके इस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 85 का है। सही है, अब ये ड्रॉ करना है, कहते हैं ड्रॉ एक्यूरेटली ट्राइंगल ए बी सी, उसकी बेस कितनी है, ए बी कितनी है 12 सेंटीमीटर, आपने ए बी लाइन बनानी है 12 सेंटीमीटर, आप आपने ए बी आप बना देंगे, ए बी 12 सेंटीमीटर की आपने लाइन बना दी, बना दी आपने 12 सेंटीमीटर। अब आप कह रहे हैं सी ए बी, सी ए बी यानी बी ए सी भी कह सकते हैं इसको, बी ए सी कितना 40, तो 40 डी बी, डी यहां पर आपने ऐसे डी रखना है और 40 डिग्री का ऐसे एंगल बना देना है। सही है, तो आपने लाइन ऐसे प्रॉपर बना दे 40 डिग्री, आपको लगे ये 40, ये कितना एंगल हो गया 40, डी से विद द हेल्प ऑफ द डी आपने कर दिया, और फिर आपने ए पे रखना है और 10 सेंटीमीटर की एक आर्क बना देंगे, 10 सेंटीमीटर की एक आर्क बना देंगे, आर्क बना देंगे, तो ए पे रख के कंप्लीटर को यहां रखना है, कंपस से एक आर्क बना देंगे, ये आपका सी पॉइंट आ जाएगा, ये सी पॉइंट आ जाएगा, इस सी पॉइंट को बी पॉइंट से मिला देंगे, इसी पॉइंट को। सर ये जो आर्क है 10 सेंटीमीटर की है तो ये 12 से कम नहीं होगी आर्क? देखिए स्लांट है ना, आप जरा स्लांट देखें ना,
स्लांट है, हाँ टन से कम नहीं होगी, ये भी थोड़ा सा सेंसिबल अंदाज में आपने कहा, मगर थोड़ा कम होगी मगर इधर इधर आएगी ज्यादा ज्यादा, और ज्यादा नहीं आ सकती, सही है, इधर आएगी वो आप एक्यूरेट बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ तो इसलिए दिस इज सी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट आ जाएगा, ये ट्राइंगल मेरी कंस्ट्रक्ट हो गई, ये ट्राइंगल मैंने ए बी सी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दी। आप कह रहे हैं बीसी की लेंथ मेजर कर लो, बीसी की लेंथ मेजर कर लिया, सेंटीमीटर बता दें ये लेंथ हो गया, ए पार्ट मेरा हो गया। बी पार्ट कहते हैं ऑन द सेम डायग्राम, इसी डायग्राम में क्या कह रहे हैं, ड्रॉ द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विद इन द ट्रायंगल एबीसी आर 3 सेंटीमीटर फ्रॉम, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एसी, एसी लाइन से 3 सेंटीमीटर है, तो एसी लाइन से 3 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब पैरेलल लाइन बनेगी, एसी की पैरेलल लाइन बनेगी, एसी की पैरेलल लाइन ऊपर बनेगी नीचे बनेगी, आप नीचे बना दें 3 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर इधर एसी के पैरेलल लग नहीं रही, एसी की पैरेलल एक मिनट एसी की पैरेलल लाइन मैंने बना दी, तो एसी के पैरेलल कुछ इस तरह से होगी, सही है, पैरेलल लाइन कितने सेंटीमीटर, जो बीसी की लेंथ है वो स्केल से ही मेजर कर लेना, किसकी आप बेस स्केल से, स्केल से मेजर करनी, सही ये डिस्टेंस आपका 3 स्केल से मेजर करनी 3 सेंटीमीटर या ऊपर नीचे बनानी, मगर यहाँ पर अंदर क्योंकि अंदर की बात हो रही है ट्राइंगल के, उधर अंदर ही आपने बनानी, ये बना दिया आपने ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द लोकस, लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, जो कि ए बी और बी सी से इक्विडिस्टेंस है, अब ए बी और बी सी इसकी अब वो बना देंगे एंगल बाइसेक्टर, तो कॉमन पॉइंट कौन है बी ए, बी पे इधर रखूंगा कॉमन, ये आकार किधर एक आर किधर, फिर एक आर इधर एक आर किधर, इन पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा तो ये मेरा एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा एंगल बाइसेक्टर लाइन बन जाएगी, ये एंगल बाइसेक्टर बना दी मैंने, ओके ये हो गया, ये मैंने एंगल बाय। अब पॉइंट पी लाइज इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी, द पॉइंट पी इज सच दैट, अ पॉइंट पी कह रहे हैं इज सच दैट इट इज मोर देन 3 सेंटीमीटर, इट इज मोर देन 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सी, यानी कि ए सी से 3 सेंटीमीटर ज्यादा होगी, वो ये कह रहा है 3 सेंटीमीटर ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे इस जगह पे होगा, इस जगह पे कहीं पर होगा, सही है, अभी पहली बात हम कर रहे हैं, पहली बात कर रहे हैं इस जगह पे होगा, उसको मैं मिटा भी देता हूँ, चले इस कलर को कर लेते हैं, इस जगह पे पहली बात कह रहे हैं ये येलो, पहले इस जगह पे होगा, दूसरा आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, सॉरी ए बी से आपके 3 सेंटीमीटर मोर होगा, सही, बट डिस्टेंस फ्रॉम बी सी, बी सी से जो आपके आपका बी सी से आपका लेस देन ए बी, यानी बी सी से उसका डिस्टेंस कम होगा एज कंपेयर टू ए बी, क्लियरली शेड, तो यानी इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पोर्शन, इसको शेड में ग्रीन लेके आता हूं, कह रहे हैं ये वाली जगह आपकी होगी, ये वाली जगह जो बी सी से करीब होगी, तो दोनों की कंबाइन क्या होगी, ये ब्लू बहुत ग्रीन बहुत बुरी लग रही है, कोई और कलर ले लेते हैं, एक मिनट कलर ले लेते हैं, लाइट कलर को भी ले लेते हैं, ये कलर एक मिनट, ये कलर होगा, सही है, अब ये दोनों का आएगा, ये वाला कलर, ये पोर्शन होगा बी, बी की पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली जगह जो दोनों की होगी, सही, समझ में आया क्वेश्चन, ये लेबलिंग समझ में आई बेटा आप लोगों को, यस सर, ओके, ये क्वेश्चन थे लोसाई के, मैंने काफी सारे क्वेश्चंस करवाए पास पेपर के, सही है, इन्हीं क्वेश्चंस को आपने रिवाइज करने एक बार और करिएगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी कल की क्लास के अंदर हम इस लोसाई के लिट करंट 2021 और 20 और 19 के पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे लोसाई के, और फिर इसको आगे की तरफ लेके चलेंगे, सही है बेटा, कल इसको क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे, तो यही सारी चीजें लोसाई में, कोई नई खास चीजें नहीं है बेटा, सही है, ओके, आज इधर तक रखें, बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे, जो आपने प्रोबेबिलिटी वाली जो पीडीएफ आपने सेंड नहीं की बेटा, वो मैं भूल गया था और वो मैं डिलीट भी कर चुका, सही है, चले वो डिलीट भी इत्तेफाक गलती से मेरे से हो गई थी, सही बेटा, मैं देखता हूँ, ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।